जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए अब आचार्य से जानते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा को ही देव दीपावली मनाते हैं। क्या है देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं, किस प्रकार स्थिति को मनाना चाहिए, किस प्रकार आप स्थिति का लाभ ले सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आज हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना कार्तिक का महीना होता है, जिसे कार्तिक मास के नाम से हम जानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो है वह कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। प्रत्येक वर्ष में 12 पूर्णिमाएं होती हैं। जब अधिक मास या मलमास लगता है तब इनकी संख्या बढ़कर के 13 हो जाती है। सृष्टि के आरंभ से ही यह तिथि बड़ी ही विशेष रही है। पुराणों में इस दिन स्नान, व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला इस तिथि को बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन जो भी आप जप तप होम करते हैं वह 1000 अश्वमेध यज्ञों से कहीं ज्यादा गुना फल देता है। इसका महात्म सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं, शैव भक्तों और सिख धर्म के लिए भी बहुत ज्यादा होता है। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन इसलिए विशेष है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार जो है वह इसी तिथि में हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान का यह अवतार वेदों की रक्षा और प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों एवं राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए उनको, भगवान विष्णु को यह अवतार लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आसान हो सका। शिव भक्तों के अनुसार इस तिथि को भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार कर दिया था, जिससे वह त्रिपुरारी रूप में पूजित हुए। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक नाम है, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा या त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी तरह सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु श्री नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान करके गुरुद्वारों में जाकर के गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए हुए मार्ग पर चलने की संकल्प लेते हैं, प्रण करते हैं। इसे गुरुपर्व उनकी भाषा में कहा जाता है, यानी सिख भाषा में इसे गुरुपर्व आज की तिथि को हम जानते हैं। इस तरह यह दिन जो है, आज की जो तिथि है, एक नहीं बल्कि कई वजहों से विशेष हो जाता है। इस तिथि पर गंगा स्नान करना, दीपदान करना अन्य दानों से अधिक महत्व रखता है। इस दिन क्षीर सागर का दान करना अनंत महत्व रखता है। क्षीर सागर का दान किस प्रकार से करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। एक ऐसा बर्तन लें जिसमें जिसकी गहराई कम से कम 24 अंगुल होनी चाहिए। 24 अंगुल के बर्तन में दूध भर करके उसमें स्वर्ण या रजत की मछली डाल करके इसे दान दिया जाता है। यह उत्सव दीपावली की भांति दीप जला करके सायंकाल के समय में मनाया जाना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन कृतिका नक्षत्र में भगवान शिव शंकर के दर्शन करने से जो भी जातक ऐसा दर्शन करता है भगवान शिव का, जब इसमें इस तिथि में कृतिका का संयोग बन जाए, कृतिका नक्षत्र जब मिल रहा हो,
तो ऐसा दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनी रहता है, यानी धनवान बना रहता है। भगवान शिव की ऐसी कृपा होती है। इस दिन चंद्र देवता जब आकाश में उदित हो रहे हों, उस समय भगवान शिव, शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुईया और शमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता को, उनकी प्रीति को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज की तिथि का महात्म्य है। देव दीपावली की पृष्ठभूमि में पौराणिक कथाएं बहुत सारी हैं। अगर आप हमारे धर्मशास्त्रों को खंगालेंगे तो आपको इस तिथि से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी। इस कथा के इसी में से एक विशेष कथा के अनुसार भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना पर सभी को उत्पीड़ित करने वाले राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया, जिससे जिसके उल्लास में देवताओं ने दीपावली मनाई, जिसे आगे चल करके देव दीपावली के नाम से मान्यता मिल गई। इसी संदर्भ में एक अन्य कथानक भी हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है कि त्रिशंकु को राजा विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग में पहुंचा दिया। देवतागण इससे उद्विग्न हो गए, यानी नाराज हो गए, और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से पुनः फिर एक बार वापस भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु जो है वह अधर्म में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूचे सृष्टि ही अपने तपोबल से आरंभ करना शुरू कर दी। सृष्टि की रचना ही उन्होंने प्रारंभ कर दी। उस समय विश्वामित्र जी ने किया क्या कि उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा आदि, इन सारी चीजों की रचना का क्रम जो है अपने तपोबल से, अपनी शक्ति से आरंभ कर दिया। इसी क्रम में ऋषि विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतिमा बना करके उन्हें अभिमंत्रित करके उनमें प्राण प्रतिष्ठा करनी शुरू कर दी, उनमें प्राण फूंकना आरंभ कर दिया, जिससे सारी सृष्टि डावाडोल हो उठी। देवताओं में हाहाकार मच गया, हर ओर कोहराम मच गया। हाहाकार के बीच देवताओं ने राजर्षि विश्वामित्र की अभ्यर्थना की, उनसे प्रार्थना की। महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प जो है वह त्याग दिया, संकल्प वहीं छोड़ दिया, वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, सभी जगह इस अवसर पर दीपावली मनाई गई। दीपावली का दृश्य था। यही अवसर अब हम लोग देव दीपावली के नाम से जानते हैं। हमारी काशी में इस तिथि में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। गंगा के घाटों को असंख्य दीपों से सजाया जाता है और गंगा, माँ गंगा की जो आरती है, दैनिक स्वरूप से कहीं ज्यादा भव्य रूप में इस आरती को किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को सायंकाल गंगा पूजन के बाद काशी के 80 घाटों में से हर घाट पर दीपों की लौ प्रकाश के अद्भुत प्रभा मंडल की सृष्टि करती है। शरद ऋतु को भगवान की महारासलीला का काल भी माना गया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार शरद पूर्णिमा की चांदनी में श्री कृष्ण का महारास संपन्न हुआ था। इसी पृष्ठभूमि में शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाली दीपदान की इस परंपरा को आकाश दीपों के माध्यम से काशी में अनूठे सांस्कृतिक वातावरण का द्योतक माना जाता है। गंगा के किनारे घाटों पर और मंदिरों, भवनों की छतों पर आकाश की ओर उठती दीपों की लौ, यानी आकाश दीप के माध्यम से देवाराधन और पितरों की अभ्यर्थना तथा मुक्ति कामना का यह बनारस का अपना एक स्वरूप है, रिवाज है, या यूं कहें कि बनारसी पद्धति है। ये आकाशदीप पूरे कार्तिक मास में बांस बल्लियों के सहारे टंगे टिमटिमाते तमसो माँ ज्योतिर्गमय का शाश्वत संदेश देते रहते हैं। इसी क्रम में ये दीप कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर पृथ्वी पर गंगा के तट पर अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार आज की तिथि का महात्म्य है। हर व्यक्ति को प्रयास ये करना चाहिए कि जिस प्रकार आपने अपनी दीपावली मनाई, हम लोगों ने अपनी मनुष्यों की दीपावली मनाई, देवताओं की दीपावली को हमें कहीं बढ़ चढ़ करके मनाना चाहिए। अपने घर के पूजा स्थान में और अपने घर के प्रवेश द्वार पर आज आप 2-2 दीपक अवश्य लगाएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमो नारायण। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय
तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमत्कारी प्रभावशाली समाधान एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की आठवीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।